सर दूसरा सवाल यह आता है कि इन दिनों भारत में तमिलनाडु, केरल, असम, बंगाल और पुडुचेरी पांच जगह चुनाव की बयार चल रही है और आज वहाँ मतदान भी चल रहा है या कल होने वाला, शायद में नहीं, आज है। आज चल रहा है, दूसरे चरण का मतदान चल रहा है। क्या लगता है, अभी कल ही ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी है देश के सारे विपक्षी नेताओं को कि एक प्रकार से उनका दाव कहा जा रहा है कि यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में है। क्या लग रहा है ममता बनर्जी के ये दाव, एक बार तो एक्सीडेंट का दाव था, दूसरा ये किस प्रकार की रणनीति चल रही है ताकि चुनाव में फायदा मिल जाए, आप कैसे देखते हैं इसको? पंडित जी, ममता जी का हाल हो गया है अभी डिस्परेशन का, जी जिसे हम कहते हैं ना, डिस्परेट हो गई है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो जी उनकी जो सारी गतिविधियां हैं, जो उनकी एक्शंस हैं, जो उनकी काम करने का तरीका है, उससे लग जी रहा है कि वो डरी हुई हैं, जी डरी सहमी हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि किसी भारतीय जनता पार्टी की बैठक में भी मंच से चंडी पाठ होता होगा, जी लेकिन उन्हें इसकी आवश्यकता पड़ रही है। अपना गोत्र बताने की आवश्यकता हो रही है, और इन्होंने जो अभी किया है, जो प्रजातंत्र खतरे में है के नाम पर जी कहा है, तो ये भी डिस्परेशन, यानी कि उनकी जमीन खिसक गई है, इस बात का पक्का एहसास होना चाहिए। एक समय था इंदिरा जी को, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इस तरह कहा ऐसा जाता कहा था। जाता था, ठीक तो है हम लोग तब से जानते हैं कि जब जब कांग्रेस खतरे में होती है तो जी। भारत खतरे में होता है, जब जब उनकी सरकार खतरे में होती है तो भारत खतरे में होता है। जी जी और विश्वास मानिए कि जब जब कांग्रेस खुद खतरे में होती है, उस समय प्रजातंत्र खतरे में होता है। खतरे में होता है, तो सही ये आज भी वही किस्सा है, जब वो उनकी सरकार नहीं बनने की संभावना हो रही है, तो उन्हें जी। प्रजातंत्र खतरे में नजर आ रहा है। क्या लगता है, बीच में आपको टोक रहा हूं था, कि जो ये जो चिट्ठी पत्री होती है इससे कोई असर पड़ता है राजनीतिक हालातों में, कि एक प्रकार से शिवोगा होता है, प्रोपेगेंडा होता है कि ध्यान बढ़ जाए लोगों का? जैसे पंडित जी मैंने बताया कि डिस्परेट कॉल है जी कि भाई अब तो कुछ करो, नहीं तो मैं गई। मतलब जी ये SOS जिसको बोलते हैं ना, SOS कॉल है जी उनका। और इससे कुछ मुझे नहीं लगता है, उन्होंने जो आधार चुना है वो गलत चुना है पंडित जी। जी जी राहुल गांधी भी लगातार कहते रहते हैं कि भारत में प्रजातंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। अभी उन्होंने पिछले वीक भी कहा था, जी आज ममता जी ने भी विपक्षियों को एक साथ लाम बंधोने के लिए रिक्वेस्ट की है। तो उसका जी आधार है कि प्रजातंत्र खतरे में है। जी अब आप बताइए कि एक देश में जहां वाकई में चुनाव होते हैं, जी क्या वहां प्रजातंत्र खतरे में है? हमारे यहाँ आज सारी चुनी हुई सरकारें हैं, क्या उससे प्रजातंत्र खतरे में हो गया? या इसलिए खतरे में हो गया कि ममता की सरकार नहीं बनने वाली है, या राहुल गांधी की सरकार नहीं नहीं है, बनने केवल इस वाली। कारण से प्रजातंत्र खतरे में हो गया क्या? तो इस तरह की बहुत बेहुदा बातें हैं जिसको, जिनका आधार उसने बनाया है। मैं अभी उस दिन एक बात समझाना भी चाह रहा था जी आपको, जी और उस जी दिन बता रहा था कि जैसे ऐसे कौन से लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जी प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जी जिनके होने ना होने से प्रजातंत्र अच्छा है या नहीं ये तय होता है, प्रजातंत्र है या नहीं ये तय होता है। इनमें सबसे बड़ा है आज़ादी। जी आपको अपनी मनचाही राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने की आज़ादी है या नहीं? नहीं है तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से भारत में हर व्यक्ति को अपनी मनपसंद पार्टी की को चुनने की चुनने की आज़ादी है, आज़ादी है, उसके प्रति समर्थन व्यक्त करने की आज़ादी है। उसके प्रति जो चाहे वो कहने की आज़ादी है, जी बिल्कुल प्रधानमंत्री को गाली देने की आज़ादी है। जी बिल्कुल तो इससे ज़्यादा उन्हें कौन सी आज़ादी चाहिए वो आज़ादी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब पहला आधार तो यही था जो पूरी तरह गलत है। जी हाँ, अगर ये लोग ऐसा समझते हैं कि केरल में जैसे वो तमिलनाडु केरल की सरकार, उस केरल की सरकार थी जिसमें जी उन्होंने सोना गोल्ड करने में उन्हें हेल्प की, सोना जी इंपोर्ट करने में हेल्प की। तो अगर कोई चाहता है कि इस तरह की अनैतिक गतिविधियां करने की आज़ादी चाहिए, आतंक फैलाने की आज़ादी चाहिए, बूथ लूटने की आज़ादी चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये पराकाष्ठा है जो आज़ादी की मांग करते हैं। तो फिर तो देश ही तोड़ दो, वही आज़ादी चाहिए इन्हें। तो मुझे लगता है आज़ादी का कोई मसला कहीं नहीं है। इसी तरह समाचार पत्रों को कुछ भी लिखने की आज़ादी है। मैं जी कभी नहीं देखता है कोई समाचार पत्र छोड़ता है। जी अमर उजाला और आपके कई ऐसे अखबार हैं, इवन भास्कर जैसे अखबार हैं, जी जो जी खुलकर के अपनी बात लिखते हैं, और वो सरकार के विरोध में होती है तो कोई मसला नहीं है। द हिंदू है जो जी स्पष्ट रूप से,
किसी को कहीं कोई आज़ादी की कमी नहीं दिखाई। मीडिया में तो मेरे ख्याल से 200% 100% तो ठीक है, 200% जो कह सकते हैं आज़ादी है। हाँ। और उसका हम बाय गवाय देखते भी रहते हैं कि किस प्रकार के घटनाक्रम आते हैं। सर इसी के साथ हम एक दूसरे मुद्दे पर चर्चा करते हैं, किसान आंदोलन पर आपसे काफ़ी बातचीत होती है लेकिन अब वो हाशिए पे जा रहा है, लेकिन हम उससे संबंधित एक चीज़ पिछले दिनों ध्यान आकर्षण में आई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र करा था कि कृषि में नवाचार होना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए। क्या सोचते हैं किस प्रकार का नवाचार आ सकता है और कितनी जल्दी असरकारक होगा ताकि जो एक अनबैलेंस वाली स्थिति वो ठीक हो जाए? पंडित जी, इसके दो पक्ष हैं जी। पहला पक्ष है जो अभी जो है जो किसानों की माली हालत से संबंधित है जी, इसको एड्रेस तत्काल रूप से करना आवश्यक है, ये पहली बात है जी। क्योंकि वाकई में किसानों को कई बार बहुत नुकसान होता है। इस बार भी बारिश के कारण, ओलों के कारण फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, पर्याप्त मात्रा में अनाज नहीं पैदा होता है, उससे नुकसान होता है जी। ये एक फौरी तौर पर इसको अटेंड करने की ज़रूरत है। लेकिन एक दूसरा बड़ा है मसला कि ये सब होता क्यों है। अगर आप आज देखें तो मैं स्टडी कर रहा था, किसान अभी गेहूं का बीज 300 रुपये किलो खरीदता है जी और वो मैक्सिमम 30 रुपये किलो बिकता है, इससे ऊपर तो कोई गेहूं बिकता नहीं है, वो भी नहीं बिकता है। और इसमें क्या होता है, किसान की बीज की लागत ही बहुत बड़ी होती है, किसान की खाद की लागत बहुत बड़ी है। एक किलो गेहूं उगाने में 1500 लीटर पानी व्यर्थ होता है जी, एक किलो चावल उगाने में 2 से 3 हज़ार लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सिंचित भूमि पर इतना, आज हम शहर में बात करते हैं 300 रुपये में 3 हज़ार लीटर पानी की टंकी आती है, बिल्कुल। तो अगर आप 1 किलो चावल उगाने में 300 रुपये का पानी लगा देंगे तो चावल की कीमत क्या होगी? कीमत क्या होगी, सही बात है। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, ये सब निःशुल्क है जी। हम उसकी सही वैल्यू नहीं लगाते, बिल्कुल बिल्कुल। किसान लोग खेती करते हैं, पानी का कितना वेस्टेज होता है, बिजली कितनी वेस्ट होती है, क्योंकि वहाँ पर उनका ध्यान नहीं है, कंट्रोल नहीं है जी। ये सारे रिसोर्सेस उनके सिर्फ किसान के नहीं हैं, सिर्फ खेत के नहीं हैं, ये सारी जनता के हैं। आज वो पराली जलाते हैं, कितना प्रदूषण होता है उसको, लोगों कितने बीमार होते हैं, उसकी एक कॉस्ट है पंडित जी। जो वो लोग फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से प्रदूषण होता है उससे नदियां खराब होती हैं, उसकी एक कॉस्ट है। कॉस्ट है, सही बात है। तो वो उसके जो कीमत है वो आम जन को भुगतनी पड़ती है, भुगतनी पड़ती है। अब ये लोग, ये तो मैंने पहले ही कहा कि एक तरफ किसानों को फौरी मदद की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सोच करके अगर हम कृषि में तकनीकी सुधार नहीं करेंगे तो हम लोग हमेशा परेशान रहेंगे, परेशान रहेंगे। क्यों? क्योंकि इतना सारा जो अब हम कहते हैं भाई हमें तो अनाज चाहिए, लेकिन अनाज चाहिए का मतलब प्रदूषण तो नहीं होता पंडित, बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह ये लोग सब्जियां वगैरह उगाते हैं, उसमें भी देखिए कितनी सारी दवाइयां इस्तेमाल होती हैं, उनको खाने से लोग बीमार होने का डर बना रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा ही होता है, पर ऐसा भी होता है। हाँ, कहीं ना कहीं इसके दुष्परिणाम सामने आ ही जाते हैं। अब क्या हो रहा है, पहले हमारे जो ट्रेडिशनल खेती थी उसमें जैसे अभी जैसे गेहूं उगाते हैं ना, तो हर साल गेहूं 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 लगाते रहते हैं जी जी। खाद डालना है तो उन्होंने यूरिया डाला, ये खाद डाले, पेस्टिसाइड डाले जी। पहले ऐसे नहीं था पंडित जी, जिस खेत में पहले इस साल चने उगते थे उसमें अगले साल गेहूं उगता था, तो जो उसकी जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं वो खाली चने में होते हैं, बिल्कुल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फसलों की अदला बदली, फसलों के सही चक्र, मतलब जब तक हम लोग फिर से प्रकृति की शरण में नहीं जाएंगे तब तक हम लोग इन समस्याओं से बाहर नहीं आ सकते। आज हमने गेहूं इतना सारा उगाया, सरप्लस गेहूं उगा लिया, किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिलता है, ऐसी उनकी शिकायत है। हमारे यहाँ भंडारण की पूरी सुविधाएं नहीं है, भंडारण नहीं हो पाता पूरा, तो अल्टीमेटली नुकसान तो हमारा भी हो रहा है, किसान का भी हो रहा है। सही बात। इससे तो अच्छा है कि जितनी हमें ज़रूरत है उतना हम उगाएँ, बाकी दूसरी चीज़ें उगाएँ, तो न तो ज़मीन खराब होगी और न हमारा फसल चक्र खराब होगा, बिल्कुल, और किसानों को उसका उचित मूल्य भी मिलता रहेगा। तो इन बातों को अभी ध्यान देने में बहुत ज़रूरत है, हम वेस्टेज जो रिसोर्सेस हैं, हमारे जो कीमती रिसोर्स हैं उनको ख़राब होने नहीं दे सकते। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि उनका राजनीतिक मसला दूसरा है जी जी, पर एक तकनीकी मसला है कि कैसे हम लोग खेती को उन्नत बनाएं और खेती में कभी इस तरह की समस्याएं ना आए तो हमें उस पर तत्काल से काम करना पड़ेगा। ये लेबोरेटरी के भरोसे नहीं रह सकते, लेबोरेटरी की खोज को फील्ड में लाना सबसे बड़ी ज़रूरत, सबसे बड़ी। और मैं कहता हूँ इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी किसान की भी है, क्योंकि वही इसको अमल में लाएगा, वही इसको समझेगा। हाँ। तो
मुझे लगता है कि किसान आंदोलन तो करें, लेकिन यदि इस नवाचार को भी अपनाते हैं तो वो खुद तो अच्छी उपज और धन कमा पाएंगे, देश के पर्यावरण को भी नुकसान होने से बचा देंगे। किसानों को अगर आंदोलन को ही करना है जी तो खेती में मॉडर्नाइजेशन नवाचार के लिए करना चाहिए। बिल्कुल, वो नवाचार का मतलब सिर्फ ट्रैक्टर लेना नहीं होता। हाँ, नवाचार का मतलब होता है वहाँ उस जगह प्रकृति ने क्या सुविधाएं दी हैं, हाँ, उनका उपयोग कैसे उसका सदुपयोग करें, करें। उसको सदुपयोग करके। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो किसान आंदोलन की कर्ता धरता है और जो नए किसान जो अपने भविष्य को खेती में देखते हैं वो इस प्रकार के उपाय अपनाएंगे और यकीनन भारत फिर से कृषि में तो आत्मनिर्भर है और आगे भी बढ़ सकेगा। बिल्कुल।